हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टीफुल रेसिपीज। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी। कहीं पर इसे मैंगो मिल्क शेक कहते हैं तो कहीं इसे मैंगो मस्तानी कहते हैं, जैसे कि पुन्ना में इसे मैंगो मस्तानी कहते हैं। ये बनाना तो बहुत इजी है और ये 4 से 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। गर्मियों में ये बहुत टेस्टी लगता है पीने के लिए और खाने के लिए भी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका क्रीमीनेस। अभी मैंगो की सीजन भी है, आप इसे घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मार्केट से भी बहुत अच्छा बनता है। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। एक बड़ा आम को चॉप करके ले लिया है। 1.5 ग्लास मैंने दूध लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे शुगर। टूटी फूटी लेंगे, थोड़े से पिस्ता लेंगे चॉप करके, काजू को चॉप करके और कुछ साबुत भी लेंगे, इलायची पाउडर लेंगे, बादाम को भी चॉप करके ले लेंगे, मैंगो आइसक्रीम लेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वैनिला आइसक्रीम भी लिया है। तो सबसे पहले मिक्सी का एक जार ले लेंगे, उसमें चॉप की हुई आम को डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे शुगर 2 टेबल स्पून। शुगर आपके आम के क्वालिटी के ऊपर, मिठास के ऊपर डिपेंड करता है। इलायची पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। अब इसमें डाल देंगे मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल दिया है। आपके पास अगर वैनिला आइसक्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर कोई भी आइसक्रीम नहीं है तो आप बिना आइसक्रीम के भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 ग्लास दूध। एक बार ब्लेंड कर लेंगे इसे। अब हम इसमें 1/2 ग्लास दूध और डाल देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ही थिक है। तो 1/2 ग्लास दूध मैंने और डाल दिया है, आपको ज़रूरत पड़ने पर ही आप डालिएगा। एक बार और इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें 2-4 आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंगो यहाँ पर ठंडा है और दूध भी मैंने ठंडा लिया है और आइसक्रीम भी ठंडा है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो आप देख सकते हैं अब ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम ग्लास में पोर कर देते हैं। सबसे पहले ग्लास में मैंने वैनिला आइसक्रीम डाला है, आप चाहे तो मैंगो आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। तो मैंगो आइसक्रीम मैंने पहले ही डाल दिया है, तो मैं वैनिला आइसक्रीम इसमें डालूंगी, ये देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हम इसके ऊपर कुछ चॉप की हुई मैंगो के पीसेस डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ चॉप की हुई ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और कुछ टूटी फूटी डाल देंगे। इससे जब हम मैंगो मिल्क शेक को पियेंगे, ये ड्राई फ्रूट्स, टूटी फूटी और मैंगो के चंक्स हमारे मुंह में आएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। पहले भी हमारे चैनल पर मैंगो मिल्क शेक का वीडियो अपलोड है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बनाना मिल्क शेक और चॉकलेट मिल्क शेक और 4 टाइप का आइसक्रीम का रेसिपी भी अपलोडेड है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब इसमें हम पोर कर देंगे हमारा मैंगो मिल्क शेक। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कितना क्रीमी है। पूरा हम फिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देंगे बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए। अब इसमें हमने वैनिला आइसक्रीम डाल दिया है 1 स्कूप। अब थोड़ा सा हम मैंगो के चंक्स डाल देंगे। तो मैंगो के चंक्स को और आइसक्रीम को साइड्स में ही डालिए, इससे हम बाकी सारे चीज़ें डाल सकते हैं और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और टूटी फूटी डाल देंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू और पिस्ता को चॉप करके ले लिया है और थोड़े से कलरफुल टूटी फूटी ले लिया है। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़े से मैंगो चंक्स के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ टब में वैनिला आइसक्रीम रखा है, आप चाहे तो मैंगो आइसक्रीम भी रख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बिना आइसक्रीम के भी बना सकते हैं। आइसक्रीम डालने से इसका टेक्सचर और क्रीमीनेस बढ़ जाता है और ये टेस्टी भी लगता है। ऊपर टब पर एक काजू रख देंगे। अगर
आपके पास चेरी है तो आप चेरी भी रख सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। लीजिए, बनकर तैयार हो गया है हमारा मैंगो मिल्क शेक या मैंगो मस्तानी। एक बार आप इसे घर में ज़रूर बनाइए, मार्केट का मैंगो मिल्क शेक पीना भूल जाएंगे। आप इसे रोज़ रोज़ घर में बनाना जरूर चाहेंगे, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। रिसेंटली मैंने चॉकलेट मिल्क शेक की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगी और भी बहुत सारे समर रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको एक बार पीकर और खाकर दिखाती हूँ। आप इसके साथ स्ट्रॉ और एक स्पून ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम इसे पीने के साथ साथ खाते भी हैं। मैंगो का सीजन भी है तो मैंगो मिल्क शेक तो बनाना बनता है। तो और देर मत कीजिएगा, इससे पहले कि मैंगो का सीज़न चला जाए, एक बार आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पीने से हमारा पेट भी भर जाता है, बहुत देर तक हमें भूख भी नहीं लगती है। अभी पेंडेमिक का टाइम पर हम बाहर से कुछ भी खा भी नहीं सकते हैं, तो इसे घर में बनाकर आप अपने बच्चों को देंगे, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। कैसे लगी मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।